नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो नंबर वन फाइनेंस मतलब फाइनेंस, देखिए अलग अलग तरीके से फाइनेंस होते हैं। तो देखा जाए तो कुछ कंपनीज देखा जाए तो NBFC भी होते हैं, कुछ कंपनी बैंक भी होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एक हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो एक हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज में नंबर वन और लीडर कंपनी कौन है, आप सभी जानते हैं, HDFC है। तो आज मैं बात करूंगा HDFC के बारे में, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग करने का अनाउंसमेंट किया, और कितने बड़ा फंड रेजिंग होने वाला है तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको न्यूज के ऊपर लेके आया हूँ। न्यूज कौन सा है, द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो पूरा क्रेडिट मैं इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर दूंगा, तो आप इस साइट के ऊपर आकर भी विजिट करके न्यूज देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं HDFC टू रेज अप टू 12,000 करोड़। इसका मतलब क्या है कि HDFC रेज करने वाला है, क्या रेज करने वाला है, फंड रेज करने वाला है 12,000 करोड़ का। देखिए HDFC का काम क्या है, आप सभी जानते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। मान के चलिए आप कोई घर लेना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस का जरूरत होगा, तो HDFC आपको प्रोवाइड करेगा। मान के चलिए आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फाइनेंस देगा। आप घर को मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत है, मतलब उसके लिए लोन का जरूरत है, वो इसी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी इंडिया के लीडर कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। इसका सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो कंपनी का नाम आपको नंबर वन में लिखेगा और नंबर वन में हमेशा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 4,17,000 करोड़। और एक टाइम आपको एक इस तरीके से कुछ न्यूज भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था कि HDFC के साथ HDFC बैंक जो है वो एक साथ मार्च होने वाले हैं। तो HDFC बैंक साथ ही साथ HDFC दोनों ही एक साथ मार्च होने वाले हैं। तो इस दोनों मार्जर के कारण कंपनी में और भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और भी ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ सकता है। तो चलो मैं इसके ऊपर कौन सा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप देखिए कि HDFC लिमिटेड विल रेज अप टू 12,000 करोड़ इशूइंग बॉन्ड्स। तो बॉन्ड इशू के माध्यम से आपको यहाँ पे फंड रेज किया जा रहा है। देखिए बॉन्ड इशू कंपनी क्यों करते हैं, सबसे पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा। चलो मैं आपको एक ब्लैंक पेपर में लेके जाता हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों को पता है कि बॉन्ड किस बेसिस से यूज किया जाता है, कंपनी क्यों बॉन्ड इशू करता है। मान के चलिए एक बॉन्ड, मान के चलिए एक कंपनी है, मान के चलिए एक HDFC कंपनी है, तो उसको पैसे का जरूरत है कंपनी का बिजनेस बड़ा करने के लिए, कंपनी के अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसको पैसे कहाँ से मिलेगा, एक वो किसी भी बैंक से लोन उठा सकते हैं, किसी भी प्राइवेट जगह से लोन उठा सकते हैं, नहीं तो वो स्टॉक मार्केट में पैसे मतलब खुद का शेयर बेचकर पैसा उठा सकते हैं, मतलब खुद का स्टेक बेचकर पैसा उठा सकते हैं, और एक ऑप्शन है वो है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के माध्यम से भी पैसा उठा सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में वो उसको माल बेचेंगे तो कंपनी का हिस्सेदारी कम हो जाएगा, कंपनी का रेपुटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोमोटर खुद का माल बेच रहा है, इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, इस तरीके से कुछ बातचीत आ जाएगा, तो वो स्टॉक मार्केट से पैसा उठा नहीं पाएंगे। तो उठा सकते हैं मगर उठाने का कोशिश नहीं करेंगे अभी। तो दूसरी बात रहेगा पर्सनल, पर्सनली अगर कोई भी मतलब फंड उठाएगा तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और बैंकिंग से अगर वो फंड उठाएगा, बैंकिंग से अगर लोन लेकर काम करेगा तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। मान के चलिए बैंक ने इसके यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि बैंक ने उसके अनाउंसमेंट किया, चलो मान के चलता हूँ बैंक को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मान के चलिए 16%। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 16% 17% तक बैंक ने क्या किया, उसको इंटरेस्ट देने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, और कंपनी ने उसी पैसे वो अगर बॉन्ड से यहाँ पे उसी पैसे वो बॉन्ड से यहाँ पे मार्केट से उठाया तो मान के चलिए उसने कमिटमेंट कर दिया, चलो मैं 12% तक आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो 12% 9-12% में ज्यादा बोल दिया, तो 9 से 10% तक बॉन्ड्स के हिसाब से दिया जाता है, 7-8% भी बॉन्ड्स के हिसाब से दिया जाता है। तो चलो मैं मान लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा 12% वो देंगे, तो फिर भी यहाँ पे 4% उस वो बचा पाएंगे। तो इसीलिए बॉन्ड इशू किया जाता है, और बॉन्ड से एक एक मतलब फायदा भी कंपनी को मिलता है कि बॉन्ड दो तरीके से बॉन्ड होते हैं, तो एक सिक्योर बॉन्ड होते हैं, एक अनसिक्योर बॉन्ड होते हैं। तो
देखा जाए तो अगर अनसिक्योर बॉन्ड में आप निवेश करेंगे तो वहाँ पे जो कमिटमेंट किया जाता है, अगर मार्केट खराब रहे, कंपनी का बिजनेस अगर ठीक ठाक नहीं चला, तो आपको बॉन्ड का जो कमिटमेंट किया गया था उसका परसेंटेज के हिसाब से आपको कम परसेंटेज भी मिल सकता है। तो यही बॉन्ड की जो फंडा है यहाँ पे कंपनी इशू करने वाला है। इसीलिए देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज बॉन्ड इशू करते हैं, लोन लेने से भी अच्छा उसको लगता है कि वो बॉन्ड इशू कर ले तो वहाँ से उसको अच्छा खासा रेवेन्यूज और ऑफ मतलब सॉरी अच्छा खासा उसको फंडिंग मिल जाएगा सस्ते इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे द बेस इशूज साइज 1000 करोड़ विथ एन ऑप्शन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन अप टू 11,000 करोड़। तो फाइलिंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन उन्होंने सेबी के पास फाइलिंग जमा किया है। और यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड्स है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कूपन रेट कितना, 8.7%, 8.07%। मैं पहले आपको 12% बता दिया, मैं वो एग्जांपल के हिसाब से बता रहा था। अभी कंपनी ने कितना बॉन्ड इश्यू किया है, 8.07। सोचिए बैंक से अगर लोन लेते, करीबन मान के चलता हूँ 12% का लोन उस ले लेते, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता और टाइम टू टाइम पे करना पड़ता, तो उसके लिए बहुत प्रेशर होता। तो यहाँ पे बॉन्ड इशू करने के माध्यम से वो 8% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देने के बाद, मतलब उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 8%। सोचिए तो कितना कम उसको आएगा, करीबन 4 रुपीज से भी कम उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे देख सकते परसेंट एनुअली फॉर दैट, यहाँ पे देखिए टर्न ओवर होगा 10 ईयर्स का, 10 साल के लिए बॉन्ड इश्यू किया जा रहा है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो आप उस डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई भी बॉन्ड्स है, आपके पास कोई भी शेयर्स है, वो शेयर सब गिरवी रख के, बैंक के पास गिरवी रख के भी आप पैसा उठा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर उन्होंने इशू कर दिया तो वो डिबेंचर आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारे जगह पे आप जमा करके पैसा उठा नहीं सकते। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, और वो डिबेंचर्स वो इसीलिए ओपन इशू कर रहा है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी का बिजनेस बढ़ाना करना चाहते हैं। तो इसलिए वो इस तरीके से बॉन्ड्स को इशू कर रहा है। तो अभी इस बेसिस से क्या कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए दो कारण के बेसिस से। कंपनी में दम है, बहुत ज़्यादा दम है, क्योंकि देखिए फाइनेंस कंपनी होने के बाद भी इसका जितने सारे कंपटीटर्स हैं उसके ऊपर के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है। आप कहेंगे सर यहाँ पे एप्टस वैल्यू हाउसिंग के पास तो कर्जा ना के बराबर है। हाँ, कंपनी का मार्केट कैप भी देख लीजिए, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और HDFC का कितना, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो कितना दोनों में डिफरेंस है आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप सेल्स भी चलो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कंपटीटर के हिसाब से चलो ठीक ठाक है। कंपनी का पीईपीवी रेशियो भी ठीक ठाक है, साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तो फिलहाल के लिए वीक लेवल में देखने को मिला, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी का मतलब पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, सबसे बड़ी बात है। कंपनी का मतलब डेट टू इक्विटी जो है तो करीबन 2.83% है। फाइनेंस सेक्टर में इस तरीके से चलते रहेंगे तो कंपनी का एनुअली इनकम करीबन 24,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का जो टोटल डेप्थ है करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास डेप्थ है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी डाउन है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। अभी देखना है कि प्रीवियस रिपोर्ट क्या था, प्रीवियस रिपोर्ट में सेल्स बहुत शानदार था, प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा एक ही रेंज में, एक एवरेज लेवल में हमेशा देखने को मिलता है। तो कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से 12% तक रिटर्न कंपनी 10 साल में दिया है, 5 साल में 6%, 3 साल में 5% और 1 साल में 16% का लॉसेस दिया। आप कहेंगे सर इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या मुझे निवेश करना चाहिए? देखिए बिल्कुल इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए DIS FIS इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्ट करके रखा, तगड़ा निवेश करके रखा, पूरा का पूरा माल उन्होंने ही, FIS ने ही माल उठा कर रखा, उसके बाद DIS ने भी माल उठा कर रखा। इसका मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं इसी से आपको पता चलता है। अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं, देखिए अब लॉन्ग टर्म विजन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी टोटली टोटली अपट्रेंड में है। आप इसका चार्ट पैटर्न देख कर आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है और कंपनी किस स्ट्रेंथ के बेसिस से यहाँ पे काम कर रहा है। तो कंपनी के अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, और कंपनी 200 डेज EMA के ऊपर ही चल रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ने के बाद ये जो लेवल है यहाँ पे 1666 जो लेवल है, इस लेवल को अगर टूटता है तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए और उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।